प्योर प्रोडक्ट्स लिमिटेड जो रजिस्टर्ड है विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ रुपीज टेन लैख और जो डिवाइडेड है इनटू टू वन लैख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज़ टेन ईच में ठीक है बच्चों उसने इशू किए सेवेंटी थाउजेंड इक्विटी शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन एट द प्रीमियम ऑफ रुपीज़ टू पर शेयर तो कंपनी के पास ऑथराइज नंबर ऑफ शेयर्स तो हैं वन लैख और जिनकी फेस वैल्यू है रुपीज़ टेन और टोटल ऑथराइज कैपिटल है रुपीज़ टेन लैक बट कंपनी ने जो इशू किए हैं वो हैं सेवेंटी थाउजेंड इक्विटी शेयर्स और इनको रुपीज़ टू प्रीमियम पे कंपनी इशू कर रही है यानी वो इन टोटल रुपीज़ ट्वेल्व लेगी फ्रॉम द पब्लिक कंपनी रुपीज़ थ्री एप्लीकेशन पे ले रही है रुपीज फाइव अलाटमेंट पे और बैलेंस वो लेगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे तो बच्चों ये बात याद रखिएगा जब प्रीमियम के बारे में कुछ ना बता रखा हो कि वो कब लिया जा रहा है तो ये माना जाता है कि वो अलाटमेंट के टाइम पे लिया जा रहा है तो अब ये जो अलॉटमेंट है इसे आप रुपीज़ थ्री प्लस टू मानिए थ्री कैपिटल के और रुपीज़ टू जो हैं वो हैं प्रीमियम के तो इसका मतलब ये हुआ जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है वो रुपीज़ फोर की है ठीक है बच्चों अब कंपनी को जो एप्लीकेशन रिसीव हुई है वो है रुपीज़ वन लैख एटी नाइन थाउजेंड जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन कंपनी को रिसीव हुई है दैट इज़ रुपया वन लैख एटी नाइन थाउजेंड तो आपको पहले तो बच्चों ये बताना है कि क्या कंपनी आगे शेयर्स अलॉट कर सकती है टू द एप्लीकेंट्स यानी कि आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितनी आई है याद रखिएगा उनका नाइन्टी परसेंट मिनिमम आना जरूरी है एज पर सेबी गाइडलाइंस अगर नाइन्टी परसेंट ऑफ द शेयर्स इशूड पब्लिक सब्सक्राइब नहीं करती है तो कंपनी को इशू कैंसिल करना पड़ेगा तो हम जरूर चेक करेंगे बच्चों कि एप्लीकेशन जितनी आई है वो नाइन्टी परसेंट ऑफ द शेयर इशूड है या नहीं है तो पहले तो हमें यही चेक करना है एंड देन अगर वो नाइन्टी परसेंट या उससे ज़्यादा है एप्लीकेशन में रिसीव मतलब नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाई पब्लिक तो फिर आपको नेसेसरी जल एंट्रीज पास करनी है एप्लीकेशन की तो करनी ही करनी है आगे जाके अलॉटमेंट और कॉल्स की भी करनी है ठीक है बच्चों? तो आइए चेक करते हैं कि कंपनी को कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं तो बच्चों नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव जानने के लिए टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड को एप्लीकेशन मनी पर शेयर से डिवाइड कर दीजिए ठीक है बच्चों? यानी रुपीज वन एटी नाइन थाउजेंड को डिवाइड कर दीजिए विद रुपीज थ्री इससे निकल कर आएगा नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय पब्लिक सिक्सटी थ्री थाउजेंड जो कि सेवेंटी थाउजेंड जो कंपनी ने शेयर इशू किए थे एग्जैक्टली exactly उसका नाइन्टी परसेंट ही होता है आप सेवेंटी थाउजेंड का नाइन्टी परसेंट निकाल के देखेंगे तो वो सिक्सटी थ्री थाउजेंड ही आएगा इसका मतलब कंपनी जो है लोगों को शेयर अलॉट कर सकती है और इसे करना भी चाहिए ठीक है बच्चों अब आइए पहली बात हमारी यस हो चुकी है यानी कंपनी शेयर इशू कर सकती है मतलब अलॉट कर सकती है लोगों को इशू तो कर ही चुकी थी वो तो आप आगे की एंट्रीज बनाते हैं बच्चों याद रखिएगा जो एंट्रीज़ बनाई जाएंगी वो सिक्सटी थ्री थाउजेंड शेयर से बनाई जाएंगी एप्लीकेशन में रिसीव तो मैं बता ही रखा था वन लाख एटी नाइन थाउजेंड उसको एंट्री में फिल कर दीजिए एप्लीकेशन में रिसीव करने की एंट्री हुआ करती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट ठीक है बच्चों और जब शेयर अलॉट कर दिए जाएंगे तो ये पैसा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और इसकी एंट्री आपको नजर आई रही है बच्चों शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट उसी दिन कंपनी फिर जो है शेयर अलॉटमेंट ड्यू करेगी ठीक है अलॉटमेंट मनी मांगेगी फ्रॉम द शेयर होल्डर्स तो अलॉटमेंट जो है वो प्रीमियम पे है जिसमें आपका रुपीज़ थ्री कैपिटल के हैं और रुपीज़ टू प्रीमियम के हैं तो एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट और इसमें अमाउंट आएगा सिक्सटी थाउजेंड इंटू फाइव जो कि होता है थ्री लैख फिफ्टीन थाउजेंड ठीक है बच्चों इंटू थ्री करेंगे तो वन लैख एटी नाइन थाउजेंड आ जाएगा इंटू टू करेंगे तो वन लाख ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड आ जाएगा ये हो गया बच्चों आपका अलॉटमेंट मनी ड्यू आइए उसको रिसीव कर लेते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट तो अलॉटमेंट हमने ड्यू भी कर लिया और उसको रिसीव भी कर लिया नाउ कम टू द एंट्री इज फॉर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी पहले ड्यू कराई जाएगी एंड देन उसको रिसीव किया जाएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जब आप ड्यू कराएंगे तो याद रखेगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रुपीज फोर है पर शेयर तो सिक्सटी थ्री थाउजेंड इंटू फोर होता है टू लैख फिफ्टी टू थाउजेंड तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू कराने की एंट्री इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और जब ये रिसीव हो जाएगी तो आप एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट और इस तरह से हमारा ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा ठीक है बच्चों वैसे मैं बता दूं बच्चों दिस इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव ऑफ द बुक टी एस ग्रेवाल चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल और जो एडिशन पास बुक का है बच्चों दैट इज टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री